एक एक सिक्स क्लास का पेपर है आपका 15 और 16 मार्च को, मॉर्निंग और इवनिंग का। तो मैं इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ग्रामर दिखाने जा रहा हूँ, जो आपके बहुत काम आएगी, आपके पेपर में हेल्प करेगी। अब आप सभी को देखिए, फॉर्मूले भी थोड़ा पढ़ने हैं आपको, अगर आपको पेपर अच्छा देना है। तो आपको पता ही कि इजारम कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, तो अगर नहीं पता तो यहाँ पे देख लो कि जो ही शी इट आता है तो यहाँ पे लगेगा इज, ठीक है। दे वी यू आता तो आ लगेगा, नेम के साथ हमेशा क्या लगता है इज, और आई के साथ हमेशा लगेगा एम। तो ये रूल्स होते हैं, ये पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये है फिल इन द ब्लैंक्स, तो ऐसे आपके पेपर में भी आएगा, ठीक है। तो आपको इसमें से प्रैक्टिस करो कि आर के हाथ क्या लगता है एम, ए एम लिखना, ठीक है। यू के हाथ क्या लगता है ए आर ई आर, राम है, राम है, कोई भी नाम होता है, ठीक है, कोई भी किसी का नाम है तो नाम क्या लगेगा इज, मोती इज अ गुड डॉग, रिया इज स्मार्ट बॉय, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वाज और वर कहाँ लगते हैं, आई के हाथ वाज लगता है, वी के हाथ वर लगता है, दे के हाथ वर लगता है, ही शी इट या किसी का भी नाम होता है तो उसके हाथ लगेगा वॉज, ठीक है। तो ये डू डज है, तो ये जो ग्रामर है ना, आप इनको अच्छे से कर लो, क्योंकि तो फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे ही आएगा। देखिए डू डज कहाँ लगता है, तो एक बार इनको अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, रट लो, जो भी आप बस याद कर लो इनको। जैसे कि हैज़ और हैव कहाँ लगता है, आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ हैव लगता है, ही शी इट या नेम इट के साथ क्या लगता हैज़, दे के साथ क्या लगे हैव। तो ये सब पढ़ लो इनको अच्छे से, रैमिंग वर्ड आपको याद होने चाहिए, हार्ड यार्ड, ठीक है। तो ऐसे आप सारे देख लो, लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स, आपको 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं। इन बेडरूम, बेडरूम में 5 चीज़ें कौन कौन सी होती है, ऐसे पेपर में आते हैं, आपके पेपर में आ सकता है। लिविंग रूम में क्या क्या होता है, तो इनको पढ़ लो अच्छे से समझ लो। बाथरूम में क्या क्या होता है, ठीक है। अब माई फेवरेट वर्ड, वर्ड पे कोई पैराग्राफ आ सकता है, तो ये देखिए 5 6 लाइनें जितनी भी लिखी है, 10 लाइनें, इनको अच्छे से कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये PDF है, बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको देख लेंगे तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके बाद ये देख लो, पढ़ लो अच्छे से, याद कर लो, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी कर लेना इनको। हैप्पी हैप्पीनेस, सैड सैडनेस, चाइल्ड का चाइल्डहुड होता है, एडल्ट का एडल्टहुड। तो ये सब आप पढ़ लो इनको अच्छे से, ठीक है। और ये अपोजिट वर्ड है, जैसे कि कोल्ड का हॉट, बिग का स्मॉल, ठीक है, इनको भी अच्छे से कर लो। देखिए इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आपके लिए लिखे हैं, माई सेल्फ, माई स्कूल, माई फ्रेंड, तो इनमें से आपके पेपर में आ सकता है। नीचे भी लिखा हुआ है, माई द बर्ड आई लाइक मोस्ट, माई फेवरेट डिश कौन सी, इंडिपेंडेंस डे पे आ सकता है, ठीक है। नीचे भी दिए हुए हैं कुछ, तो ये एप्लीकेशन दी हुई है, दी चेंज द सेक्शन एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो ऐसे से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये नीचे एप्लीकेशन दी हुई है, आप देख लो।